तो नाइंसाफी है। तुम लोग ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। जो प्लेयर खेलने से मना करेगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। स्क्विड गेम्स इस साउथ कोरियन सीरीज ने दुनिया को हिला के रख दिया है। पैरासाइट की तरह इसने भी सीरीज वर्ल्ड को कुछ ही दिनों में डोमिनेट कर लिया है। मगर आज हम इस जैसे कुछ शोज और मूवीज पर प्रकाश डालेंगे जो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आपको स्क्विड गेम पसंद आई हो तो। लिस्ट बिल्कुल एक रैंडम ऑर्डर में है तो मैं स्किप करना रिकमेंड नहीं करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यू नेवर मिस एन अपडेट। लिस्ट की शुरुआत करेंगे 2020 की जैपनीज नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड बेस्ड ऑन अ मांगा नेम्ड हारो आसो। स्क्विड गेम्स की तरह इसमें भी कैरेक्टर सर्वाइवल टाइप गेम्स खेलते हैं जहाँ एक गलती आपको मौत से मिलवा सकती है। ये सीरीज बहुत फेमस हिट नहीं थी, इसके बावजूद नेटफ्लिक्स ने इसके 2 सीजन अनाउंस कर दिए हैं। 8 एपिसोड लॉन्ग ये सीरीज काफी इंटरटेनिंग है जिसमें सीरीज के मेन कैरेक्टर और उसके कुछ दोस्त को जबरदस्ती एक गेम खिलाया जाता है जहां एक गलती मौत है। 7 पे एक जैपनीज मूवी बैटल रॉयल। दोस्तों ये मूवी आप कह सकते हैं एक रेफरेंस पॉइंट है सारे बैटल रॉयल गेम्स की लाइक फोर्टनाइट पबजी एंड सीओडी जिसमें आपको आखिरी तक अकेले सर्वाइव करना होता है। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अजीब है। जब जापान की इकोनॉमी लगभग बर्बाद हो चुकी थी और नौकरियां बिल्कुल भी नहीं थी तब गवर्नमेंट डिसाइड करती है बैटल रॉयल एक्ट को काम लाने की जिसमें 42 नाइन्थ ग्रेड स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को एक वीरान आइलैंड में भेजा जाता है जहां से बचना है तो सबको मार के अकेले सरवाइव करना होगा। अगर अंत तक एक से ज्यादा बच गए तो सबको मार दिया जाएगा। स्क्विड गेम्स के डायरेक्टर मिस्टर हुआंग ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो बैटल रॉयल से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। 6 पे एक और जापानीज मूवी एज अ गॉड्स विल। लगता है आधे से ज्यादा साइकोटिक मूवीज की धरोहर जापान की ही है और इसमें खून खराबा का लेवल स्क्विड गेम से तो ऊपर है। बेस्ड ऑन अ मांगा सीरीज एज द गॉड्स विल फिल्म ले जाती है हमें एक हाई स्कूल में जहां शुन और उसके क्लासमेट्स को एक रेड लाइट ग्रीन लाइट का गेम खेलने को मजबूर किया जाता है जहां हार की पेनल्टी आप सबको अभी तक पता चली गई होगी। लेकिन ये गेम सिर्फ स्कूल में नहीं खेला जा रहा था, जल्दी पता लगता है कि ये गेम पूरी दुनिया में खेली जा रही है वो भी मजबूरन ऑब्वियसली। 5th पे है एस्केप रूम। इनिशियली ये स्क्विड गेम जैसी है जिसमें 6 अलग अलग लोगों को इनविटेशन दिया जाता है अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने का $1 मिलियन जीत के। मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन लोगों को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है जहां से अगर बचना है तो उन्हें वहां से भागने का रास्ता खोजना ही होगा बिना मरे। हर एक रूम की पजल काफी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है जो आपको सीट के एज पर रखेगी। नॉट एग्जैक्टली पर हाँ, हर मूवी की तरह इसमें भी कुछ प्लॉट होल्स है जो सबको अपने हिसाब से कम ज्यादा लग सकती है। इसके सीक्वल्स भी है पर आप उन्हें ना ही देखे तो अच्छा है। अगली फिल्म है 1997 की क्यूब। एक क्यूब के अंदर पूरी फिल्म निकालना भी एक टैलेंट है। अगर आप भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट के फैन हैं तो ये कल्ट क्लासिक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक कॉप, मैथमेटिशियन, बिल्डिंग डिजाइनर, डॉक्टर, एक एस्केप मास्टर और एक फिजिकली डिसेबल्ड आदमी बेहोशी से उठ के एक ट्रैप से भरे क्यूब में एक दूसरे को पाते हैं जहां उन्हें अपने अपने स्किल्स की मदद से क्यूब को सॉल्व करना होगा बिना किसी ट्रैप में फंसे, क्योंकि अगर ट्रैप में फंसे तो सीधे स्वर्ग के दर्शन होंगे। अगली पेशकश है एक 4 सीजन लॉन्ग सीरीज 3%। ये ब्राजीलियन सीरीज एक डिस्टेंट फ्यूचर यूटोपिया के बारे में है जहाँ सिर्फ कुछ लोग ही जा सकते हैं, बाकी बचे हुए लोग भुखमरी और गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन उन लोगों में सिर्फ 3% को ही चांस दिया जाता है उस बेमिसाल आइलैंड में रहने का। कैरेक्टर मोटिव्स और एक्शन स्क्विड गेम से काफी सिमिलर है और देखने के लिए 4 सीजन्स काफी है। 2nd पे है 1.5 घंटे से भी छोटी मूवी सर्कल। दोस्तों हमें कभी कभी IMDb को तो इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ ये मूवी मास्टरपीस नहीं है क्यूब की तरह पर वो तो गॉडजिला भी नहीं थी, पर सबने उस मूवी को पसंद किया था। खैर स्टोरी की बात की जाए तो 50 अनजान लोग एक मिस्टीरियस चेंबर में लाए जाते हैं जिसकी उनके पास मेमोरी भी नहीं होती है कैसे। हर 2 मिनट में एक इंसान मार दिया जाता है। जल्दी सबको पता लगता है कि वोटिंग करके किसी को भी मारा जा सकता है, लेकिन क्या होगा अगर एक ही इंसान उस चेंबर में बसता है वो आप देखकर ही पता लगाइए। सर्कल इंसानों की इंसानियत को अपने चरम सीमा पर टेस्ट करती है, कैसे लोग एक दूसरे को वैल्यू देते हैं और कैसे अगर उन्हें कुछ मुश्किल फैसले दिए जाए तो वो क्या चुनते हैं इन वर्स्ट केस सिनेरियो। बहुत लोग हंगर गेम सागा से वाकिफ होंगे। इसमें अमीर और करप्ट लोग मजे की जिंदगी जीते हैं और गरीब लोगों को एक डू और डाई खेल खिलवाया जाता है जिसे अमीर लोगों को सीक्रेट कैमरा के जरिए सीधा प्रसारण करवाया जाता है उनके टीवी पर बस उनके मजे के लिए। ये पूरी सागा आप क्रिस्प हिंदी डब में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों लिस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियो आपको मिलती रहे। दिस इज बेस्ट वर्स साइनिंग आउट।